अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करते हैं पॉइल के पॉइंट के बारे में कि पॉइल के पॉइंट को हमने टोटल स्टेशन के मदद से कैसे इसका जो लेआउट है हम करते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास पॉइल की कोऑर्डिनेट है। टोटल स्टेशन पे आते हैं, ये टोटल स्टेशन के फ्रंट पेज पे हम मौजूद है। तो यहाँ पर हमने बैक जाना है स्केप से, इसका मेन पेज है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने टोटल स्टेशन को सेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास टू पॉइंट होनी चाहिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास जो स्टेशन पॉइंट है, ये वाली ये स्टेशन पॉइंट है, और वो जो सामने है यहाँ पर एक बैक का पॉइंट है। तो पहले इसको मशीन को हमने रन करना है। मशीन को रन करने के लिए हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट में आना है। F3 को मैं प्रेस करता हूँ, फिर इसके बाद ये जो एरो कीज है इसके मदद से हमने टॉप पे जाना है, उसी ओरिएंटेशन पे। और यहाँ पर जो स्टेशन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमने इसमें इसके एंट्री करनी है, तो ऑलरेडी इसके एंट्री मैंने की है। अब इसके बाद BSNZ जो बैक साइड है, जो दूसरा पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट को हमने एंटर करना है। यहाँ से हमने इसको प्रेस करना है, तो यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट हमने एंटर करना है। अगर आपके पास सेव है तो F1 को प्रेस करके यहाँ से आप लोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से ओके करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मशीन को आपने सेट करना है। एक बार जब आपका इंस्ट्रूमेंट सेट हो जाए, तो इसके बाद फिर आपने कॉइल के कोऑर्डिनेट का जो लेआउट करना है, तो इसके लिए आपने SO पे आना है, F2 को प्रेस करना है। SO डेटा में यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपने देनी है। पॉइंट ए में आपको दिखाता हूँ, पॉइंट नंबर 4, ये फाइल नंबर 4 की कोऑर्डिनेट है। तो ऑलरेडी इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पर मैंने इसकी एंट्री की है। अब इसके बाद यहाँ से हमने ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये जो एंगल है R, जो DHA डिफरेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल जो एंगल है, इसको हमने 0-0 करना है। इसी तरह हमने मशीन को रोटेट करना है। अब ये तकरीबन जब 0-0 हो जाए, तो फिर ये जो हॉरिजॉन्टल स्लो मोशन स्क्रू, इसको हमने यहाँ से लॉक करना है, और इसके मदद से हमने इसको 0-0 करना है। अब ये जो एंगल है इसको हमने 0-0 कर दिया है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब जो पॉइंट है जहाँ पर उस शख्स को हमने खड़ा किया है, जहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है, तो उस जगह पर हमने प्रिज्म मैन को खड़ा करना है, और इसको हमने इसके जो अलाइनमेंट है इसमें लेके आना है। तो इसको मैंने लेके आया। अब इसको यहाँ पर हमने टारगेट किया है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते ये जो पॉइंट है 0.007 mm, इसमें वो डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो यहाँ पर ये जो वैल्यू, इसको हमने 0-0 करना है। इस अब यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ इस पॉइंट के हमने लेआउट किए, जो पॉइल का पॉइंट है। अब इसके बाद जो ट्राईपॉड है इसको हमने सेट करना है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसका जो सेंटर है, पॉइंट के सेंटर पे लेके आना है। तो इसी तरह वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।